अब मेरी थोड़ी थोड़ी फट रही है। आराम से बम्पर लग जाएगा। जान दे। आगे की यहाँ पे हो चुका है एक माड़ा छोटा सा पंचर। पे आ चुकी है बारिश, मौसम हो चुका है खराब, मौसम देख सकते हैं आप, ठंड पूरी ब्लैकआउट का ठंड हो गई है। दूसरी अब जैकेट जुकर लगानी पड़ेगी। शुक्र है लेके आ गए। मैं लेके भी आ रहा था जैकेट, उन्होंने डाल लिया बढ़िया। अब डालते हैं जैकेट वगैरह एंड कैंप सेट करते हैं। कैंप सेट के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी कोई बढ़िया सी। पहले कैंप सेट करेंगे, उसके बाद हम डिनर का प्रिपेयर करेंगे। पहले मैट लेके आएंगे, मैट भी लेके आए हैं। मैट से पैदल पहले हम मैट लेंगे। पहले बोल रहे थे पत्थर खरीदने, पत्थर मिले नहीं, लिए नहीं, भूल गए। फिर ऊपर कहीं मिले नहीं। अब मैट मिले तो मिले, वरना नीचे सोना पड़ेगा या फिर गाड़ी में। गाड़ी देखो ऑप्शन है हमारे पास। अब मेरी थोड़ी थोड़ी फट रही है, थोड़ा सा देख लगा सो साफ होने। अब मेरी थोड़ी थोड़ी फट रही है, ले लो बैग। और ऑप्शन क्या है हमारे पास भाई? क्या ऑप्शन है घर जाने का? एक अभी बारिश हो चुकी है बंद। और भाई साहब व्यू बहुत सही भाई। और ये सामने कीचड़ कीचड़ हो गया। अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे 1 किलोमीटर, वहाँ से हम मैट्स लेके आएंगे क्योंकि यहाँ से गाड़ी जाएगी नहीं। बहुत ज़्यादा कीचड़ है, कितनी मिट्टी यहाँ आ गई। और यहाँ भी गाड़ी पार कर रही है पीछे। हाँ, बहुत ही मतलब ठंड इतनी ज़्यादा हो गई अभी, क्या बताऊँ मैं। जैकेट वगैरह लगा ली है मैंने। और ये सामने का भी आप चेक कर सकते हो, गाड़ी जा रही है। गाड़ी के टायर वगैरह देख सकते हो, बहुत ही बुरी। तो आगे हमें बता रहे हैं कि आगे मत लेके जाओ गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे ही इतनी ज़्यादा मिट्टी है, आगे से डबल है। तो गाड़ी फंसने का जो चांसेस हैं, और अगर फंस गई तो कोई गाड़ी वगैरह तो आएगी नहीं, धक्के धुक्के से गाड़ी निकलेगी नहीं। तो हम रिस्क ले रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर है वो फोक है जहाँ से हमने अपना मैट्स लेके आने। हम देखते हैं पैदल जाएंगे या फिर बाकी का देखते हैं और फिर क्या बनता है अभी। और ये ऑफ रोड भाई, नीचे हमें प्लेस मिल चुकी है, यहाँ पे हम लगाएंगे टेंट अपना। बाकी गाड़ी आ रही है, चलो आन दियो। आन दे सिद्धि। नहीं, आराम से आन दे, नहीं लगती, आन दे आराम से। रुक दे, ऊपरली साइड काट, ऊपरली चढ़ा दे पत्थर में। और दे स्पीड, चढ़ जाएगी आराम से। आन दे आने दे, निचली साइड रख। हाँ चल, तो चल आ जाएगी। आराम से, ये लगेगी इधर ऊपर, लिफ्ट हो जाएगी गाड़ी। चल नहीं लगती, वो साइड रख। बस मेरे साइड ले, पूरी काट ले। वो आराम से ब्रेक मार ले, ऊपरली साइड ले मेरे साइड। जान दे आन दे, नहीं लगती। आन दे अब भाई साहब, ऑफ रोड हो रहा है अल्टीमेट वाला, बहुत सही वाली जो है यहाँ पे उतर आई है। देखो ब्रेक्स मिल लग रही गाड़ी की, पूरी टच होती होती आई, बच गई पर टच। आन दे। जाना हट जाओ, पीछे हट जाओ। बैक ले, खींच के ला, टायर उठ गया वाला, परे वाला नीचे चोएगी। पीछे जान दे, नीचे चोएगी। और जान दे, ओए पीछे जान दे, नीचे चोएगी। दम ना तोड़, तोड़ थोड़ी यार, खींच के रख, आराम से बम्पर लग जाएगा।
लग जाएगा बम्पर, लग गया। चल 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 हाँ पीछे खींच 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 एकदम खींच 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 खिंच रख जान दे। चुके हैं खज्जल क्योंकि टेंट लगाने की जगह नहीं मिल रही है, हमारे पास मैट भी नहीं है एंड बारिश अभी तक रुकी नहीं है, तो अब ऊपर रेस्ट हाउस में जा रहे हैं। रेस्ट हाउस में करते कुछ जुगाड़, आराम से जान दो। इधर तो बड़े आराम से चढ़ जाए जी, अल्टीमेट सामने तो प्रश ऋषि आ गया सीधे। क्यों नहीं चल जाना दर्शन करने ऊपर जाना? ओ वही तो है सामने पहाड़ वाला, वो है कि अगला अल्टीमेट वाले संदीप भाई को। हाँ हुए करता हूँ चुकी है मोटी वाली, देखो जैकेट वगैरह लगा दी है बिल्कुल एंड बारिश अभी तक नहीं रुकी और रूम वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, रेस्ट हाउस वगैरह बुक नहीं हो रहे हैं, मतलब बुक तो क्या अभी बंद है रेस्ट हाउस पूरे, पर ऐसा भी कोई बंदा है तो उसके थ्रू हम खुलवा रहे हैं, खुलता है तो अच्छा। यश मेरा मुँह बड़ा पतला नहीं आ रहा है। आज हमारे साथ स्कैम में स्कैम हो जा रहे हैं। अब एक और प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे हो चुका है एक माड़ा छोटा सा पंचर और इस टायर में हवा भी बहुत कम है, तो बहुत ही खतरनाक जो है हमारे को स्कैम हो जा रहे हैं। बाकी देखते हैं अब क्या बनता है यहाँ पे, अगर रूम बुक हो जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं होता है तो गाड़ के वापस लेके जानी पड़ेगी क्योंकि सुबह तक जो टायर फूस हो जाएगा। रूम बुक हो चुका है, गेस्ट हाउस भी होगा, कमरा बुक, खज्जल होने से बच गया आज बढ़िया। ये कुछ हमारा कमरा, लाइट है नहीं पर दिख रहा है थोड़ा लाइट नहीं है अभी, एक हो लपट दे सड़ दे यार, ऐसे कैसे दिखेगा भैया, जोर तो जोर। इज देर इज टॉयलेट, पास्ता इधर बैठेंगे आप जस्ट सुनना। So, guys, इधर अपना डिनर आ चुका है एंड ये अपनी सब्जी, ये रोटी बहुत ही बढ़िया, सरकारी डिनर हो रहा है, देखो प्लेटें भी सरकारी हैं, बहुत ही बढ़िया। अब खाते हैं डिनर एंड उसके बाद मिलते हैं आपको।